स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी को बताऊंगी छोटे बच्चों को क्या, कैसे और कब पढ़ाना है, मतलब छोटे बच्चों की पढ़ाई किस उम्र में शुरू करनी है और किस तरह से आप उनको आसानी से घर में पढ़ा सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्टडी टेबल की रिव्यू दूंगी जो मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ और जो आपके बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू करने से पहले दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। एज ए टीचर और एज ए मॉम मैं ये एक्सपीरियंस की हूँ ये दो पॉइंट। पहली है कि आप सब जैसे जानते होंगे कि पढ़ाई के चार स्तर होते हैं। पहला है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो ये छोटे बच्चों के लिए जो लास्ट के दो स्तर है, पढ़ना और लिखना, इन दोनों को आप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा। छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो ये पहला दो पॉइंट है, फर्स्ट है सुनना और दूसरा है बोलना। मतलब छोटे बच्चों को आपको किताब पढ़ानी है या कुछ ABCD लिखानी है, ये इनमें से कुछ भी आपको नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है उनको सिखाने में। वो भी क्या सिखाने में? वो चीज़ों को पहचानेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आप बच्चों को ये एहसास नहीं होनी चाहिए कि आप उनको पढ़ा रहे हैं। मतलब खेल में घर के बाकी काम होते होते बच्चों को आप सिखा देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनको पढ़ा रहे हैं। और ऐसे उनको बुला के चलो पढ़ते हैं ऐसे करके नहीं पढ़ना है। बस आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हैं और बच्चा आपके पास है, आप फल धो रहे हैं बच्चा आपके पास है, तो आप सब्जियों को उसको पहचानने में मदद करेंगे, ये खीरा है, ये ककड़ी है या फिर ये गोभी है, इनके इंग्लिश नाम भी आप बता सकते हैं। इस तरह से बच्चा फलों को सब्जियों को पहचान जाएगा। ऐसे खेलते खेलते भी बॉल हुआ, यह है फील्ड, यह है ट्री, इस तरह से आप खेलते खेलते ही बच्चों को सिखाइएगा और उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो के जो पांच टिप्स मैं देने जा रही हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटे बच्चों को हम कब पढ़ाना शुरू करेंगे? इसका आंसर है जब बच्चा अच्छे से बोलने लगे। ये नहीं है कि सिर्फ एक दो वर्ड बोल दे मम्मी पापा और आप उसे पढ़ाना शुरू कर दे, ये नहीं है। बच्चा थोड़ा बोलने लगे, फिर चाहे वो जो भी उम्र हो, कोई कोई बच्चा जल्दी बोलने शुरू करते हैं, कुछ कुछ बच्चे लेट में बोलते हैं, तो उसी हिसाब से आप उनकी पढ़ाई शुरू कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाना है। इसका आंसर है, आप तो ऐसे जैसे मैं पहले बता रही थी, आप खेलते खेलते काम करते करते बच्चों को सिखाइए, न्यू वर्ड्स सिखाइए, चीज़ों को पहचानना सिखाइए। मान लीजिए आप खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, चीज़ें इधर उधर पड़ी है, ये सब क्या है, ये सब आप बता सकते हैं बच्चे को। और नेक्स्ट है, आप किताब से ही पढ़ा सकते हैं, पर इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी। पहली है, आप इस तरह की किताब लीजिए, हिंदी का भी ले सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, किताब कलरफुल होनी चाहिए और ऐसे बड़े पिक्चर्स वाले होने चाहिए, ऐसे बड़े बड़े पिक्चर होनी चाहिए उसमें। तो ये क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में आसान होता है और कलरफुल होता है, इसीलिए बच्चे इसके प्रति आकर्षित होके पढ़ते हैं। अगर इस तरह का छोटे छोटे पिक्चर होगा तो बच्चों को ये पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और सेकेंड चीज, ये जो किताब, ऐसे क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते बहुत किताबें फाड़ देते हैं बचपन में, इसीलिए इस तरह का लैमिनेटेड किताब लीजिए जो कि जल्दी से फटेगा नहीं, चाहे जैसे भी यूज करें जल्दी नहीं फटेगा, आसानी से बच्चों को आसानी से वो पढ़ पाएंगे। तो ये हो गया हम क्या पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, आप कैसे पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे का आंसर है, जैसे कि ये हो गया किताब, बच्चा बैठेगा और आपको ये फिक्स नहीं करनी है कि बच्चा इसको एप्पल बोलेगा, इसको बॉय बोलेगा, ऐसा नहीं है। जब पहले पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों का,
तो बच्चा अपने हिसाब से इसको पहचानेगा, मतलब जो ये देखेगा ये क्या है हम पूछेंगे, तो वो सेब बोलेगा तब भी वो हाँ ही बोलेंगे, और इसको ये नहीं बताएंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय, इस तरह से मैन्युअली उसको नहीं पढ़ाना है। अपने हिसाब से वो अपने भाषा से जो भी आपकी लैंग्वेज है उसे डॉग भी बोल सकता है, इसको कुत्ता भी बोल सकता है, इसी तरह से वो जो उसका उसके मन में आएगा वो इस तरह से पहचानता जाएगा और बोलता जाएगा। अगर किसी चीज में उसको दिक्कत हुई तो आप उसको हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप पढ़ाने के लिए चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी मेथड है। चार्ट को एक जो मिलता है ऐसे अल्फाबेट का, हिंदी का भी पन वाला का चार्ट मिलता है, वो आप टांगेंगे दीवार पे। किस दीवार पे? जिस दीवार पे बच्चे का नजर हमेशा पड़ता हो, जिस जगह पे वो खेलता हो हमेशा, उसी के आसपास आपको वो चार्ट को टांगना है। और एक आपको एक फिक्स टाइम रखनी है पढ़ाई का, उस फिक्स टाइम में आपको स्टूडेंट बनना है और बच्चा आपका टीचर बनेगा। उसको एक लकड़ी दीजिए और आप वो आपको पढ़ाएगा ये क्या है ये क्या है, वो आप पूछते रहेंगे, तो इस मेथड से उसको बहुत मजा आएगा और वो पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट देगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप इस तरह का काम करें जो बच्चा आपसे सीखे। जैसे किताबों को संभाल के रखना, आप किताबों को बहुत संभाल के रखना, अगर बच्चा 2-3 बार देख लेगा तो वो भी उसका भी किताबों को फाड़ना कम हो जाएगा। और एक फिक्स जो टाइम मैं आपको बोल रही हूँ, मानिए आप सुबह हो या शाम हो, एक फिक्स टाइम पे आप खुद किताब लेके इस तरह से पढ़ने बैठ जाइए। तो क्योंकि बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं, इसीलिए आपको देख के बच्चा 2-3 दिन देख के वो भी खुद पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। और आप अगर बच्चे को चलो पढ़ते हैं करेंगे, ये बच्चे को बच्चे के लिए एक फोर्स हो जाएगा, और फोर्स से करी हुई काम बच्चे को मजा नहीं आता और वो सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं रखेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो बात फिर से याद करवा देती हूँ कि बच्चों को फोर्स नहीं करना है पढ़ने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ना या लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीखना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए, और बच्चा कैसे सीखेगा, अगर पढ़ाई में उसको आनंद आएगा तभी बच्चा सीखेगा। इसीलिए आप इस तरह से सिखाएंगे बच्चे को जैसे उसे मजा आए, उसे फोर्सफुली ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ऐसे याद नहीं करवाना है। ये मैं अपने एक टीचर और एक माँ की एक्सपीरियंस है मेरी, तो इस एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे उस स्टडी टेबल का रिव्यू जो मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले और वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको आगे की पढ़ाई, मतलब बच्चों के 3 साल के बाद स्कूल जाने के बाद, या फिर स्कूल नहीं जाने से भी घर में पढ़ाई आगे कैसे बढ़ाना है इसके बारे में जानना है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आगे इस तरह की वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, ये है वो स्टडी टेबल मैं जो आपको बता रही थी। मैं ये फ्लिपकार्ट से नहीं ली हूँ, एक्चुअली ये स्टडी टेबल कम लैपटॉप टेबल है। लैपटॉप टेबल सर्च करने से ये दिखाएगा, तो अगर आप इसे लेना चाहें तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये प्लाईवुड का बना हुआ है, इसके लेग्स भी बहुत स्ट्रांग है। हम लोग पहले एक टेबल लिए थे जिसके लेग्स बहुत ही वीक थे, तो वो कम दिनों के यूज के बाद ही टूट गया, तो इसीलिए हम लोग ये स्ट्रॉन्ग वाला लिए हैं। और इसका प्राइस 565 कुछ इसके आसपास है। और ये आप लैपटॉप के टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए यूज करती हूँ। और इसमें देखिए एक जगह है जहाँ पे आप मतलब जूस या कुछ रखने के लिए दिया है, पर यहाँ पे पेन स्टैंड रख के या फिर इरेजर और वो शार्पनर वगैरह रखने के लिए यूज होता है। और ये जो जगह है वो लैपटॉप के लिए यूज होगा। और इसके लेग्स देखिए फोल्डेबल हैं, आप पढ़ाते वक्त इसको निकालिए बेड पे या नीचे कहीं भी बच्चों को पढ़ाइए, और फिर इसको फोल्ड करके फिर रख दीजिए।
ये बहुत स्ट्रांग है इसका लेग्स, तो ये बहुत काफ़ी दिन चलेगा, ये ड्यूरेबल होगा मुझे लगता है। अभी तो नया है पर यूज करने के बाद पता चलेगा। पर ये टेबल मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैं वो पहले वाले टेबल का भी आपको वीडियो दे दिखा दूंगी, जो जिसका लेग टूट गया, तो आप अगर लेना हो तो इस तरह का टेबल लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये जो दिखा रही हूँ मैं, वो पहले हम लिए थे ये टेबल, इसकी लेग्स इतनी वीक हैं कि वो कुछ 1-2 महीने के यूज से ही ये टूट गए, और हम लोग इसको ठीक करवाने की कोशिश भी किए पर फिर भी ये यूज करने का लायक नहीं रहा। तो हम लोग इसलिए इस बार वो पहले जो मैं दिखाई उस तरह की एक टेबल, बहुत उसके लेग्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो उस तरह का टेबल लीजिएगा जो आपके पढ़ाई में बहुत काम आएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे प्लीज कमेंट कीजिएगा।